हेलो गाइस वेलकम बैक टू स्टैडिगन चैनल आई एम जुदीर लेसिंग टू अनदर वीडियो टुडे आई एम गोना शेयर एवरीथिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जिसे आईएफ भी कहा जाता है उसके बारे में आपके साथ सारा कुछ शेयर करेंगे उसके बेनिफिट्स उसके डिफरेंट किस्म के टाइप और मैंने पर्सनली उस पर कैसे फैट लॉस किया कैसे अचीव किया और इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा मेथड है या खाली सिर्फ एक हाइप है

फ़ास्ट करना है मतलब जिसमें आपने सिर्फ पानी पीना है या ब्लैक कॉफ़ी पी लेनी है या अगर चाय पीते हैं कॉफ़ी नहीं पीते तो खाली कावा पीना है कोई भी ज़ीरो कैलरी या मैक्सिमम टेन कैलरीज टेन फिफ्टीन कैलरी की कोई भी ड्रिंक या कुछ आपने ले लेना है फ़ास्टिंग स्टेट में रहना है सोलह घंटे आपने खाना नहीं खाना और आठ घंटे की फीडिंग विंडो होती है वो आठ घंटे की फ़ीडिंग विंडो में आपने खाना है वो चाहे शाम के टाइम हो सुबह के टाइम हो नॉर्मली लोग रात के टाइम ही रखते हैं शाम से रात का मैं पर्सनली भी शाम से रात का रखता हूँ जैसे भी फास्ट कर रहा हूँ तो वो आठ घंटे की फीडिंग विंडो में आपने मतलब अपना नाश्ता भी खाना है आपने अपना जो भी स्नैक लेने हैं तो लेने आने है। के बाद आप ट्रेनिंग करते हो शाम को करते हो तो आपने उसमें ट्रेनिंग भी करनी है प्रोटीन शेक अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेते हो तो प्रोटीन शेक भी लेना और फिर डिनर भी करना आठ घंटे में सोलह घंटे आपने बॉडी को दैट इज़ इंटरमीडियन फास्टिंग रोज़ की आपकी ये रूटीन होगी और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी हैं। ये तो हो गया कि इंटरमीडियन फास्टिंग क्या है कि कुछ घंटे आपने खाना है कुछ घंटे नहीं खाना वो काम कैसे करता है तो मेडिकल टर्म्स में समझाऊँ जो वेन यू फास्ट जब आप फास्ट करते हो योर ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है मतलब शुगर लेवल एलिवेटेड नहीं रहते और जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है तो बॉडी क्या करती है बॉडी अपने जो ब्लड शुगर रिजर्व होती है उसमें वो यूज़ करना शुरू कर देती है जैसे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लीवर ग्लाइक्रोजन होता है मसल ग्लाइक्रोजन होता है सबसे पहले लीवर ग्लाइक्रोजन यूज़ होता है तकरीबन आपने जब लास्ट टाइम खाना खाया हो उसके बारह घंटे बादजैक्टली ग्यारह से बारह घंटे बाद लीवर ग्लाइक्रोजन भी रफली खत्म हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कितनी बढ़िया आपने मील खाई है उसके बाद आपकी बॉडी क्या करती है वो आपके जो फैट होता है जो चर्बी होती है फैट होती है वो फैट सेल्स होते हैं आपके फैट सेल्स में चर्बी स्टोर होती है आपके फैट सेल में बॉडी टैप करना शुरू करती है वहाँ से फ़ैट रिलीज करती है एस एनर्जी बॉडी टैप इन करना शुरू करती है और फैट को एनर्जी के तौर पे बॉडी में यूज़ करती है ताकि आपका दिल धड़क सके आपकी किडनीज आपके लंग्स लिवर फंक्शन कर सके ब्रेन फंक्शन कर सके बॉडी फिर आपकी किटोसिस में चली जाती है किटोसिस एक फैट बर्निंग स्टेट होती है जिसमें आप सिर्फ फ़ैट uh, को एनर्जी के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं और कीटोसिस की स्टेट में फ़ैट आपका बर्न हो रहा होता है फैट लॉस का गोल भी होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल एज लो एज पॉसिबल रखें दैट इज़ हाउ इंटरमीडियंट फास्टिंग वर्कस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक like करें थम्स अप दें इफ यू डिड लाइक ए वीडियो इंटरमीडियंट फास्टिंग के कितने टाइप्स हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमीडियट फास्ट वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं काफ़ी ज्यादा उसके आजकल टाइप्स बन गए हैं इंटरमीडियट फास्टिंग के बट मैं मेन फोर टाइप्स के बारे में बात करूंगा फोर टाइप्स ऑफ मेन जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती है इंटरमीडियट फास्टिंग 16 8 16 8 जो होता है मार्टिन बर्काम ने शुरू किया था 16 8 लीन गेन्स सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं वो ये होता है कि आपने जब लास्ट मील अपनी ली है फॉर एग्जांपल कल आपने रात को नौ बजे डिनर किया नेक्स्ट डे दोपहर एक बजे तक आपने कुछ नहीं खाना तो मतलब कल रात नौ बजे से सुबह नौ बजे तक बारह घंटे हो गए आपके और एक बजे तक आपके सिक्सटीन आवर्स हो गए सिक्सटीन आवर्स तक आपने कुछ नहीं खाना और फिर एक बजे से लेके आपने रात नौ बजे तक आपने उसमें अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी आपने खाना है टू मील्स लें या दो बड़ी मील एक स्नैक लें तो वो आपने सारा खाना है, ले सा ले है सोलह घंटे आपने खाना नहीं है और आठ घंटे में खाना है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मैथड है वॉरियर डाइट वॉरियर डाइट जो ऑरी होफ मेकर ने टू थाउजेंड वन में जैसे मैंने कहा था कि इंटरमीडियंट फास्टिंग कोई नहीं, नहीं है काफी पहले की आ रही है ऑरी हॉफ मेकर जो ट्रेनर है उसने 2001 में इंटरमीडियन फास्टिंग का वॉरियर डाइट का मेथड उसने फेमस किया था और इसके बारे में आर्टिकल्स लिख रहा था एंड ऑल दैट और टू में काफ़ी मतलब मैंने कि लोगों को पता था और वॉरियर डाइट के बारे में वॉरियर डाइट क्या है कि 20 घंटे आपने फास्ट करना है मतलब कल रात को अगर आपने अगेन नौ बजे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ नौ बजे डिनर किया है तो आपने तकरीबन पाँच बजे तक कुछ नहीं खाना पाँच से नौ बजे तक अबाउट चार घंटे की फीडिंग विंडो में आपने अपना खाना है और हैल्थी खाएं बट अच्छा पेट भर के आपने खाना है फुल आपने मतलब कार्ब फैट्स प्रोटीन जो भी आपने खाना है ये हॉफ मेकर की वॉरियर डाइट है सेकेंड मैथड थर्ड मैथड क्या है आपका थर्ड मैथरनेट डेज फास्टिंग ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग क्या है वो एक दिन आपने बहुत कम कैलरीज लेनी है 400 से 500 कैलोरीज लेनी है बस सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत लाइट सा कुछ खाना है और एक दिन आपने नॉर्मल खाना है अगर 2000 कैलोरीज खा रहे हैं 2300 2400 कैलोरीज खा रहे हैं सो आपने 24 2500 जितनी भी कैलोरीज आप खाते हो वो आपने खानी है और दूसरे दिन फिर आपने उसका सिर्फ 25 परसेंट बीस परसेंट या 25 परसेंट उसका 400 500 पाँच सौ कैलरीज आपने खानी है इस तरह से ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग आपने उसको करना है इसको ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग कहते हैं मैं पर्सनली ये मैथड नहीं यूज़ करता आई डोंट लाइक इट मैं फ्लक्चुएट करता रहता हूँ मैं बिटवीन वॉरियर डाइट और लीन गेंस के दोनों के बीच का मेथड बनाया है इंटरमीडियट फास्टिंग का सो बट ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग ये ऑप्शन है कई लोगों को ये ज़्यादा ईजी रख नाश्ता करो लंच करो डिनर करो एक नॉर्मल रूटीन में और दूसरे दिन थोड़ा सा आप बहुत ही कम खाओ आप फास्टिंग खाओ फोर्थ मैथड जो काफ़ी फेमस है ईट स्टॉप ईट मैथड ये जैसे आपने तीन दिन नॉर्मल खाना है चार दिन नॉर्मल खाना है हफ्ते में एक से दो दिन आपने ऐसे करने हैं जो 24 घंटे तक आपने फास्ट करना है जिसमें आप 30, 40 या 50 कैलोरीज आप ले सकते हो कॉफ़ी वगैरह टी कुछ भी चाय वगैरह पी लो खाना पीना आपने कुछ नहीं है तीस चालीस कैलरीज तक लाइट सा कुछ ले लो चौबीस घंटे फॉर एग्जांपल आपने मंडे ट्यूसडे वनडसडे को नॉर्मल खाया अपना 2, दो ढाई हज़ार कैलरीज जो भी आप ले रहे हो फॉर एग्जांपल वजसडे को लास्ट मील आपने रात नौ बजे खाया तो थर्सडे को रात नौ बजे तक चौबीस घंटे तक आपने फास्ट करना है जिसमें आपने सिर्फ कोई पानी वगैरह पीना है और ब्लैक कॉफ़ी कावा या कोई थोड़ा सा दूध डाल के चालीस पचास कैलरीज तक मैक्सिमम आपने लेनी है इससे ज़्यादा नहीं टोटल फ़ास्ट आपने करना है उसके अलावा उसके बाद फिर थर्सडे को फास्ट करने के बाद फ्राइडे सैटरडे को आपने खाया संडे को आपने दोबारा फ़ास्ट कर लेना हफ्ते में एक या दो बार आपने 24 चौबीस घंटे का फास्ट करना है सो ईट स्टॉप ईट मैथड इसे कहते हैं सो so, ये थी टाइप्स ऑफ इंटरमीडियट फास्टिंग जो मेन फेमस इंटरमीडियंट फास्टिंग है इसके बेनिफिट्स क्या है फ़ायदा क्या है और क्या हाल ही हाई पे अमी बस लोग तो ये क्लेम करते हैं और क्लेम करते हैं ओके okay, सबसे पहले तो जब इंटरमीडियट फास्टिंग आप करते हो आपके इंसुलिन लेवल लो होते हैं आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होती है इंसुलिन हार्मोन होता Blood है शुगर लेवल मेंटेन करता है आपका ब्लड शुगर लेवल लो होता है आपका लिवर ग्लाइक्रोजन यूज़ होता है लिवर को थोड़ा सा आपका रेस्ट मिलता है लिवर पे ग्लाइक्रोजन स्टोर नहीं होता फैटी लिवर से आपको बचाता है हार्ट अटैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं स्टडीज़ हैव शोड रिपीटेडली कि इंटरमीडियट फास्टिंग हेल्प करती है ग्रोथ हार्मोन आपके बूस्ट होते हैं ग्रोथ हार्मोन भी हार्मोन होता है जिससे आपकी ग्रो होती है तो फास्टिंग ग्रोथ हार्मोन मेंटेन करने में उसको बूस्ट रखने में भी मदद करती है और आपकी बॉडी जब आप फ़ैट्स स्टोर में टैप करके एनर्जी के लिए यूज़ करते हो किटोसिस में जाती है किटोसिस से आपकी मेंटल एलर्टनेस रहती है आप फोकस रहते हो तो सुबह उठ के आपने कुछ खाया ना हो आप कुछ घंटे बस पानी पियो उसके बाद आप ब्लैक कॉफी पियो या कोई कावा या कोई चाय पी लो कम दूध के साथ दूध वाली नहीं पाउडर मिल्क यूज़ कर लें और कम दूध यूज़ कर लें सो so, उसके साथ आप फास्टिंग स्टेट में ही रहते हो तो आपकी मेंटल अलर्टनेस बहुत फोकस रहती है आप अपना कोई भी काम करो तो सही फोकस रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है बॉडी को रेस्ट मिलता है फूड डाइजेस्ट नहीं कर रही होती इंसुलिन लेवल ब्लड शुगर लेवल लेवल होता है कोई बहुत ज़्यादा हाई लो नहीं होता बॉडी थोड़ा रिलैक्स स्टेट में होती है तो मैं कोशिश करूँगा कुछ जो स्टडीज़ हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप खुद भी जाके पढ़ सको उसके बारे में तो ये स्टडी ने शो किया कि इंटरमीडियट फास्टिंग हेल्प्स फाइट डायबिसिटी अब डायबिसिटी क्या है डायबिसिटी है डायबिटीज़ और ओबिसिटी ओबिसिटी कहते हैं हद से ज़्यादा मोटापा फाइव परसेंट बॉडी फ़ैट से भी ज़्यादा होता है और डायबिटीज़ जो डायबिटिक बंदा होता है अक्सर जो लोग ओबीज़ होते हैं वो एंड वैंडअप उन्हें डायबिटीज़ होती है और जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको फ़ैट बर्न करने में भी थोड़ा सा मसला होता है वो ओबिसिटी की तरफ जाते हैं और मेनली टाइप टू डायबिटीज़ तो हाई ओबिसिटी जो आपका मतलब यानी कि लाइफ अच्छा ना हो तो टाइप टू डायबिटीज़ के तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है सो so, डायबिस जो ओबिसिटी और डायबिटीज़ है उसको फाइट करने में हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में इस किस्म की जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी लाइक यू नो आप एक फास्ट स्टेट में रहते हो इंसुलिन सेंसिटिव होते हो जब आप खाना खाते हो पंद्रह सोलह घंटे सतारह अठारह घंटे के फास्ट के बाद तो आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होती है जो आप खाओगे वो सारा आपका मतलब एनर्जी में यूज़ होगा लिवर ग्लाइकोजन रीस्टोर होगा मसल ग्लाइकोजन रीस्टोर होगा अगर आप वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करते हैं स्पोर्ट्स वगैरह बॉडी आपकी एक अच्छी स्टेट में रहती है सो दैट्स वाई ओबिसिटी और डायबिटीज पे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं उसके अलावा भी न्यूमरस बेनिफिट्स हैं इंफॉर्मेशन फास्टिंग के बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो